हाईवे इलाके के आरकेपुरम में जहां प्रेम सिंह के घर पर आधा दर्जन बदमाशों ने सुबह करीब 3 बजे हमला बोल दिया। घर में प्रेम सिंह और उसकी पत्नी और उसका भाई मौजूद था। आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों के बल पर जमकर 3 लोगों के साथ मारपीट की और नकदी जेवरात लूट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जिस तरह बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया, इससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही आईजी सतीश गणेश भी घटना स्थल पर पहुंच गए और घटना स्थल का जायजा लिया, जिसके बाद आईजी सतीश गणेश ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी दी। साथ ही एसएसपी को भी घटना के अनावरण के लिए सख्त निर्देश दिए। आईजी सतीश गणेश ने घटना के खुलासे के लिए आगरा साइबर सेल सहित 4 टीमों का गठन किया है और जल्द ही घटना के अनावरण की बात कही है। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह घटना हुई है, इस घटना को बावरिया गैंग ने अंजाम दिया होगा। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई में जुटी हुई है और जल्द ही घटना के अनावरण की बात कह रही है। जिले में आरकेपुरम कॉलोनी है जो कि रेलवे लाइन के किनारे है, वहाँ पे आज भोर में लगभग 2:30 बजे के आसपास एक मकान था जिसमें ये प्रेम है, उनका मकान है। तो उस मकान में करीब 4 या 5 बदमाश जो है, अभी ये संख्या क्लियर नहीं है, ये लोग घुसे थे और मकान की नवीयत इस तरह से है कि उसका जो मुख्य गेट के ऊपर काफ़ी जगह है, बहुत बदमाश उसी में से कूद के अंदर आए हैं और उन्होंने घर के जो लोग थे जिसमें प्रेम है, उनके छोटे भाई प्रेमपाल हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं और उनकी पत्नी है, तीनों लोगों को उन्होंने लाठी डंडों से चोट पहुँचाकर उनके कान के जो महिला है उनके कान की बालियां वगैरह रोज ली हैं। इसके अलावा उनके संदूक में कुछ कीमती जेवरात वगैरह रखे थे, उन जेवरातों को अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। मैं भी अभी आगरा से चलकर यहाँ पर आ चुका हूँ और हम लोग का प्रयास ये है कि इस घटना का अनावरण शीघ्र करें और जो घायल हैं उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मेरी सीएमएस साहब से बात हुई है। उनका एक्सरे भी कराया जा रहा है, उनका सीटी स्कैन भी कराया जा रहा है। यद्यपि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी बेहतर इलाज की दृष्टि से जिलाधिकारी से वार्ता की जाएगी और समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। और इस घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया है। इसमें जो हमारी साइबर सेल है आगरा की, उनके पास विशेष दक्षता है इस प्रकार के अपराधों का अनावरण करने की, तो उनकी टीम भी वहाँ से हमने अपनी टीम रवाना की है और वो जल्दी आके यहाँ पे जो बाकी फॉलोअप का कार्य है, किन बदमाशों ने यह घटना की है उनको चिन्हित करने का और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने का, ये हम लोगों ने प्लान किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना का सफल अनावरण भी हम लोग करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे मजबूर हैं उनका भी बेहतर इलाज करें। कैसा बावरिया की घटना से इनका क्या होता है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये कहना अभी मुश्किल है, ये बहुत जल्दबाजी है। हम लोग सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं और जैसा होगा उसमें डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में आपको समय समय पर हम लोग। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। 376 के आरोपी की पत्नी फातिमा बानो ने आज पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। टीकमगढ़ ग्राम वीरपुरा थाना चंदेरा कमरुद्दीन खान की पत्नी फातिमा बानो ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि एक महिला के द्वारा 376 का झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है, जबकि उक्त महिला की आपसी रंजिश चलती थी, यह बात मोहल्ले के कई लोग जानते हैं। इस रंजिश को लेकर महिला ने कमरुद्दीन खान के ऊपर 376 का झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया है। यह आवेदन कमरुद्दीन खान की पत्नी फातिमा बानो ने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ को दिया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए साहिन निशा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़। बरेली की नगर पंचायत कस्बा रिठौरा में नगर पंचायत की काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं हटा पा रहा है अतिक्रमण, जिसकी वजह से आए दिन जाम लग जाता है, कई दिन हादसे भी हो जाते हैं, मगर फिर भी ठेला और फल लगाने वाले नहीं मानते हैं और रोड पर जाम की स्थिति बना देते हैं। कई लोगों ने तो लोहे की टीन लगा रखी है और पुलिस भी कई बार अपनी टीम लेके गई और हटाने की कोशिश की, लेकिन जब तक पुलिस होती है वो लोग हटा लेते हैं और पुलिस के जाते ही फिर सब ठेले लगा लेते हैं, जिस वजह से आम इंसान को काफी दिक्कतों का सामना करना
करना पड़ता है। उनके अतिक्रमण की वजह से बाजार आए व्यक्ति को वाहन रोड पर ही खड़े करने पड़ते हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। उसे देखते हुए आज देर रात एसओ थाना हाफिजगंज लोगों को समझाते हुए कि सारे दुकानदार अपने दायरे से आगे ना आए, उन्होंने कई वाहनों के चालान भी काटे। उन्होंने लोगों को समझाया कि ये सब अपनी रक्षा के लिए है, कृपया नियमों का पालन करें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए फिरासत खान की रिपोर्ट, बरेली। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां आज रामपुर कांग्रेस कमेटी के सभी लोग इकट्ठे हुए और सिविल लाइंस चौराहे से धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम रामपुर को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया आजम खान और उनके एक साथी आले हसन ने जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस नेता अतीउल्लाह रहमान बबलू ने बताया कि आजम खान के जो काले कारनामे हैं, काला चिट्ठा है, जो 26 किसानों की जमीन जो उन्होंने हड़प रखी है, जो जबरदस्ती रजिस्ट्री करवाई है, उन्होंने ग्राम समाज की जमीन, नदी की जमीन, जो रामपुर में कई इमारतों को एक एक रुपए में नीलाम करा रखा है, इन सभी मांगों के लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है। जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देकर कि जो जोहर यूनिवर्सिटी में पैसा लगा है, इन सभी की सीबीआई जांच करवाई जाए। आज कलेक्ट्रेट में धरना देने वाले करीब 2 दर्जन से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों की लड़ाई लड़ी है और टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर। भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई झड़प, भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार रोड जाम किया। भाजपा कार्यकर्ता है सत्ता के नशे में चूर, इसकी ताजा मिसाल है बुधवार को मुरादाबाद में एसएसपी आवास के बाहर भाजपा नेता ने खुलेआम पुलिस वालों को गंदी गंदी गालियां दी और पुलिस ने सिर्फ भाजपा नेता की मोटरसाइकिल को ही सीज किया। तो वहीं उसके अगले दिन पीली कोठी चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक भाजपा नेता पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का आरोप लगा है, तो वहीं पुलिसकर्मी ने भी वर्दी फाड़ने का आरोप लगाया है। उसके बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ भाजपा नेताओं ने भी अपने कपड़े फटे हुए दिखाकर विरोध में जाम लगा दिया है। मुरादाबाद में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई घंटे तक पीली कोठी चौराहे पर जाम लगा रहा, जिससे चौराहे के जिलाधिकारी मुरादाबाद व एसएसपी मुरादाबाद की कोठियां हैं उस चौराहे पर जाम लगा रहा। एम्बुलेंस फंसी रही, बच्चे स्कूल से वापसी में फंसे रहे। भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए और एसएसपी वापस जाओ। अब देखना यह है कि इन भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि धारा 144 लागू होने के बावजूद भी भाजपा कार्यकर्ता ने रोड जाम कर दिया है। एसएसपी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप किसी भी एसएसपी का पकड़ने मारा करेंगे। आज इनके साथ हुई है तो ये तो लगातार बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त किया जाए। ढाई जाए, क्या नाम है आपका और क्या पद है? मैं माननीय अध्यक्ष धर्मेश सैनी नाम है। किस संस्था से? भारतीय जनता युवा मोर्चा। क्या पूरा मामला था? क्या चेकिंग के दौरान क्या हुआ? चेकिंग के दौरान हमारे मंडल के अध्यक्ष है, उनके साथ मारपीट की गई है, उनसे कहा बदतमीजी करी तमीजी करी गई है उनके साथ में, और मारपीट जगह कपड़े फाड़े गए उनके। बोला हमारा मंडल अध्यक्ष साथ ये बदतमीजी कर रहे थे, मैंने आगे पूछी मैंने भी क्या बदतमीजी करो, बोले भाई तू कहा नेता बन नहीं आए, मेरे तुरंत इन्हें डंडा मारा, वो तो हेलमेट से था मेरे, मेरी सोने की चैन तोड़ ली। पुलिस कप्तान के पास है या पुलिसियों के पास है? हमारी डिमांड है पुलिस कप्तान को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, ऐसा पुलिस कप्तान इस मुरादाबाद महानगर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे अन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये ताजा मामला शाहजहांपुर के जनपद खुदागंज का है, जहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया है, जहां रेप पीड़िता की माँ और बाप थाना खुदागंज थाना के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण अपर्णा गौतम ने बताया कि उक्त प्रकरण में जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर एसपी ग्रामीण मामले में बोलने से बचते नजर आए। वहीं पीड़िता की मां अपनी बेटी की रक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अब देखना यह होगा कि पीड़िता और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। घर वाले राजी से मोहल्ला वाले ने
पकड़वाई के ले जाए के मेरी लड़की संग गलत काम करा। किन लोगों ने गलत काम किया है? मुसलमानों ने। सोहेल खान है। इसी सब एक प्रकरण है कोतागंज का, जिसमें के लड़की के साथ जो है रेप हुआ, उसका अपहरण करने के बाद में रेप हुआ है, क्या है पूरा प्रकरण बता सकते हैं? देखिए, इस संबंध में विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और जो आगे की विधिक कार्रवाई होगी वो लड़की के बयान के बाद की जाएगी, वही इसका विधिक प्रोसेस है, तो उसके बाद ही पुष्टि करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि लड़की 14 वर्षीय है, नाबालिग है, उसको पहले अपहरण किया गया, उसके बाद में उसको बंधक बनाकर रेप किया गया है। हाँ, इसीलिए उन्हीं धाराओं में, सुसंगत धाराओं में जो नाबालिग बच्चों के लिए उपयुक्त होती है, उन्हीं धाराओं में। थाना कोतागंज के जो SSO हैं, उन्होंने धारा 366/66 में तरमीम करके मुकदमा दर्ज किया है, उस पर क्या धाराएं बढ़ सकती हैं? देखिए, वो एज जो लड़की की है उसका एक विधिक प्रोसेस है डिटरमिन करने का, और जो भी लड़की की एज होगी उसी के अकॉर्डिंग धारा में मुकदमा आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ आरोपी क्या गिरफ्तार हुए अभी तक? TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। ब्लॉक संसाधन केंद्र 52 से स्कूल चलो अभियान रैली बड़े हर्षोल्लास से निकाली गई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख समीर सिंह, खंड विकास अधिकारी अतुल त्रिवेदी तथा खंड शिक्षा अधिकारी इंद्र प्रताप सिंह एवं ग्राम प्रधानपति सैयद अनिसुल हसन ने स्कूल चलो अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर मुख्य अतिथि के संबोधन के उपरांत समाप्त हुई। रैली में नन्हे मुन्ने बच्चे नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली में बना रथ आकर्षण का केंद्र रहा। रैली में स्कूल चलो सरकारी की धुन पर बज रहा DJ लोगों को मन मोह रहा था। स्कूल चलो रैली निकालने का उद्देश्य यही था कि सभी लोग अपने बच्चों का नाम सरकारी प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में दर्ज कराए और सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ ले और अपने बच्चों की शिक्षा ग्रहण कराए। रैली में विद्यानिधि मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, उदय शंकर मिश्रा, सत्येंद्र श्रीवास्तव, राजीव वर्मा, ब्रजभूषण मिश्रा, अरुण वाजपेयी, अंशुमान चौहान, अंशुल मिश्रा, मनीष वाजपेयी, GS सिंह, भानु प्रताप सिंह, सुयस आनंद मिश्रा, नरेश वाजपेयी, सुधीर तिवारी, श्वेता सिंह, मीना सिंह, सरल शुक्ला आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। फरुखाबाद जिले में पुलिस के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आए दिन पुलिस पर अपराधी हावी हो रहे हैं। जगह जगह पुलिस पिट रही है। हालात इतने खराब हैं कि पुलिस कर्मियों की चोटें बया कर रही हैं। ये ताजा मामला जहानगंज के बरना खुर्द गांव का है, जहां मारपीट की शिकायत पर पहुंचे चौकी इंचार्ज और सिपाही पे आरोपियों ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडे बरसा कर घायल कर दिया। लहूलुहान दरोगा और सिपाही ने भाग कर अपनी जान बचाई और बाद में CO के नेतृत्व में 2 थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा और 3 हमलावर को पकड़ लिया। ये जानकारी के अनुसार जहानगंज थाने के राजपुताना स्कूल चौकी के गजराज सिंह और सिपाही योगेश सिंह मारपीट की एक शिकायत पर आरोपियों को पकड़ने के लिए बरना खुर्द गांव में गए। पुलिस ने आरोपी टिंकल और सत्यपाल को पकड़ा तो परिवार के लोगों और महिलाओं ने विरोध किया। चौकी इंचार्ज ने दबाव बनाने की कोशिश की तो गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को घेर लिया और आरोपियों को छुड़ाने के लिए लोगों ने चौकी इंचार्ज और सिपाही पर हमला कर दिया। विरोध पर हमलावरों ने लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए और चौकी इंचार्ज और सिपाही किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और पुलिस की पिटाई की खबर पर आनंद आनंद में जहानगंज और मोहम्मदाबाद कोतवाली से फोर्स लेकर CO गांव पहुंचे। पुलिस ने दबिश देकर 3 आरोपियों को पकड़ लिया। इस बीच दरोगा और सिपाही का कमालगंज की CHC में मेडिकल कराया गया। पूरे मामले को पुलिस दबाने में जुटी है। कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? सतीश। ये क्या मामला है? दरोगा जी को हाथापाई लेके। अरे ये मामला, दरोगा जी पहले बार एक बार गए मेरे घर में घुसे जाके, तो हम खाना खा रहे थे, हमने पूछा कि क्या बात दरोगा जी, तो इनने कहा वो बताएं वो कहाँ हैं, जी कहाँ हैं, हमने कहा बताओ तो हम तो खाना खा रहे हैं, ये जो है गाली गाली करके निकल आए, चले गए कि चौकी में आना। क्या करके निकल आए? ऐसे गाली वाली दे के निकल आए कि चौकी पे आना, बता गए सुबह। उसके बाद तुमने क्या किया? चौकी पे गए नहीं। 151 में पहले चालान हुई हो चुका, NCR लिखी गई। हाँ, 151 में चालान हुआ था उनका। मोबाइल को लेके? मोबाइल नहीं, मोबाइल तो चोरी हुई नहीं, हुई तो उसकी दूसरे को मिल गया था, उसने दे दिया था। ये माँ बहन की गाली दे रहा था, कह रहा था 100-100 रुपये में जो है चलाने की लोड़ियाँ जो है लड़की छोड़ देंगे, ऐसे करके इसने गाली दी। तो इसीलिए तो ये दरोगा जी के चोटे कैसे आई? ये तो आज की बात है ना। आज क्या हुआ? आज ये एक बार पहले गए, फिर आज भी एक बार गए दरोगा जी। तो मेरे घर पे थी वो, तो पूछती क्या नाम है घर पे?
आशा देवी। हाँ फिर क्या हुआ, आशा देवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई नहीं घर पे, तो फिर बुलाओ उसे कहाँ है। तो हमने जो है जब तक हम आए गए हमें बुलाओ को, तो ये औरतों ने हाथापाई की है। डॉक्टर साहब, जहानगंज थाने से दो लोग आए थे, एक दरोगा जी आए थे, एक कांस्टेबल आया था, क्या पूरा प्रकरण है? हाँ, थाना जहानगंज से दो लोग आए थे और इनके साथ लड़ाई झगड़े में किसी ने मारा। एक एसआई है जिनका नाम है गजराज सिंह, एक कांस्टेबल है इनका नाम है योगेश, इनको मारा है और काफी डंडे लगे हुए थे, दोनों लोगों को मारा। तो मतलब किस चीज से वार किया गया कांस्टेबल को? ये लाठी डंडे की चोट है, ईंटा पत्थर भी चल सकता है, लाठी डंडे से ज्यादा मारा, लाठी डंडे से ज्यादा मारा गया। मतलब कुछ कांस्टेबल जो योगेश उसकी भी मतलब ज्यादा छोटे हैं? हाँ, कांस्टेबल योगेश को ज्यादा छोटे हैं और जो एसआई हैं उनको कम छोटे हैं। कम छोटे हैं? हाँ। तो मतलब ज्यादा कोई धारदार हथियार से भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चोटें साधारण प्रकृति की हैं, लेकिन हाँ मारा बहुत ज्यादा है, मारा जा गया। हाँ, ज्यादा डंडे से मारे गए। तो ये किसके द्वारा आए थे सर? ये थाना जहानगंज से आए हुए थे। मतलब किससे, सोआर से आए थे या किससे आए गए? नहीं, ये अपने पर्सनल वाहन से। तो आपके यहाँ मतलब मुआयना किया गया इनका? हाँ, हमने मुआयना मेडिकल किया। मतलब मेडिकल चोटें सबसे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कश्यप की रिपोर्ट, फरुखाबाद। सवन चेतना सभा के बैनर तले जनपद की बदहाल बिजली व्यवस्था के विरोध में कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही उप जिलाधिकारी हरदोई को ज्ञापन के साथ लालटेन भी भेंट की गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों के हाथों में हाथ से बने हुए पंखे, लालटेन, फ्यूज बल्ब, स्लोगन लिखे पोस्टर को हाथ में लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनपद की चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, इस पर कई वक्ताओं ने सवाल उठाया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हाई कोर्ट आदर्श दीपक मिश्रा ने कहा, जनपद की ध्वस्त बिजली व्यवस्था अगर जल्द ना सुधरी तो शासन प्रशासन में आम जनमानस के साथ संगठन के लोग आर पार की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। खराब बिजली व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी जनपद के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की है, जो पूर्ण रूप से आम जनमानस को निजात दिला पाने में सक्षम नहीं है। यदि व्यवस्था में जल्द परिवर्तन नहीं आया तो संगठन के पदाधिकारी बिजली विभाग के अधिकारियों के घरों का घेराव करने का काम करेंगे। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से मंडल महासचिव शिवम गुप्ता, जिला अध्यक्ष छात्र संघ आदर्श मिश्रा, प्रदेश सचिव श्री मोहन शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र तिवारी, विजय बहादुर सिंह एडवोकेट, संदीप शुक्ला, रजनीश शुक्ला, शशिकांत सिंह, कृष्णकांत मिश्रा एडवोकेट, प्रदेश महासचिव सचिन शुक्ला, सुधांशु श्रीवास्तव, रामजी अवस्थी, विजय पांडे एडवोकेट, मिथिलेश कुमार मिश्रा एडवोकेट, सुशील त्रिपाठी एडवोकेट, सुशील मिश्रा, चंद्रशेखर पाल एडवोकेट, रवि श्रीवास्तव, मोहित सिंह, शिवम सिंह, राजीव सिंह एडवोकेट, बालकृष्ण शुक्ला, आयुब खान, राजेश मिश्रा, अखिलेश तिवारी, पवन सिंह, राजीव कश्यप एडवोकेट, प्रमोद यादव एडवोकेट, अमित अग्निहोत्री, श्रीकांत तिवारी एडवोकेट सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और जो है कोई फोन नहीं उठाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। उनका मोबाइल नंबर भी बंद है, कोई बंद नहीं होता है, खराब है। क्या वजह थी अपनी? क्या जनपद हरदोई में बिजली की बहुत गंभीर समस्या है। लगातार स्वर्ण चेतना सभा लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार ज्ञापन धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को बताने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ का प्रशासन जाग नहीं रहा है। आम जनमानस परेशान है, गांव के लोग रहने वाले गांव में बिजली नहीं आ रही है, दो दो घंटे गांव में बिजली नहीं आ रही, शहर में भी लगातार घंटे बिजली मिल रही है, 15 दिनों से बिजली लापता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। अगर यहाँ के प्रशासन नहीं जाएगा, सरकार नहीं जाएगी, कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाएगा, तो स्वर्ण चेतना सभा के लोग जिलाधिकारी महोदय के सामने आत्मदाह करने का काम। लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरा जिला परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन बिजली को लेकर पूरी तरीके से सरकार कोई प्रकार से अंकुश नहीं लगा पा रही है, बिजली व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पा रही है। बहुत बड़ी समस्या है, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी से परेशान है, इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई।
कश्यप निषाद द्वारा सांसद फूलन देवी का शहीद दिवस बेबर रोड हनुमान टेडर्स के निवास स्थान पर संपन्न हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्वप्रथम समाज के लोगों ने फूलन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा वक्ताओं ने फूलन देवी के जीवन पर प्रकाश डाला, समाज के लोगों को जागरूक होना बताया। वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार फूलन देवी ने गरीबी जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, उसके खिलाफ समाज के कुछ सामंतवादी ताकतों को उनका कदम नहीं भाया और उनको बीहड़ में उतरने को मजबूर कर दिया। बीहड़ में रहकर जिस प्रकार फूलन देवी ने दबे कुचले पिछड़े दलितों की आवाज को उठाया, उससे बड़ी सामंतवादी ताकतों ने उनके साथ हत्याचार किया, तो फूलन देवी ने सामंतवादी ताकतों का सामना कर उन्हीं की भाषा में उनको उत्तर दिया। समाज को चाहिए कि फूलन देवी के बलिदान को समाज हमेशा याद रखे। वक्ताओं ने प्रदेश के सोनभद्र जिले के उम्भा गांव की घटना को लेकर शासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि अगर अब की इस बार समाज पर हमलावर अत्याचार हुए तो समाज, देश व प्रदेश के लोग सहन नहीं करेंगे। में आए हुए हैं आज ये स्वर्गीय श्री वीरांगना फूलन देवी के प्रोग्राम में किया है, इसमें आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहन वीरांगना फूलन देवी जी सांसद बनने के बाद एक मांग उठाई थी गोरखपुर से। उन्होंने कहा था हमारे देश में ये जो कश्यप निषाद की जातियां और उपजातियां हैं, इनको मछुआरों को अनुसूचित जनजाति में इनको किया जाए। भारत सरकार से एक मांग की थी और अनुसूचित जनजाति में इसलिए कहा था क्योंकि ये जातियां भारत में लगभग 18% पाई जाती हैं। पूरे भारत की जो जनगणना 18% मछुआरे हैं, उत्तर प्रदेश में तो और भी ज़्यादा है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। और 25 जुलाई सन 2001 को संसद के सामने, संसद में उनके बंगले के सामने इनकी हत्या कर दी जाती है, तो आवाज़ वो गुम हो जाती है आरक्षण की। और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी रामकरण कश्यप के मिशन को लेकर के चला और इस आंदोलन को जारी रखा और ये संकल्प लिया था कि बहन जी आपके सपने को मैं साकार करने के लिए अपनी खून का एक एक कतरा बहाऊंगा और वो आरक्षण और जो आपकी मांगे हैं उनको पूरी करने का मैं काम करूंगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फरुखाबाद।